सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर करती है, मंजिलों को हासिल करने वाले कभी देर रात तक सोया नहीं करते, आगे वही बढ़ते हैं जो सूरज को जगाते हैं, अक्सर पीछे वही रह जाते हैं जिनको सूरज जगाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित सिंह राजपुरोहित एक बार आपके सामने फिर से हमारे नवजीवन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो आज हम टॉपिक पर चर्चा करेंगे, आज हमारा टॉपिक होगा लोकसभा का गठन। तो आज दोस्तों हम देखेंगे कि लोकसभा का गठन कैसे होता है, इसके सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, कितने सदस्य कहां से आते हैं कैसे। तो आज हम चर्चा करते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा का गठन, लोकसभा क्या है हमारा? निम्न सदन, निम्न सदन और क्या है? लोकप्रिय सदन। लोकप्रिय सदन दोस्तों देखिए, लोकसभा क्या है हमारा? निम्न सदन है, लोकप्रिय सदन है, इसे हाउस ऑफ द पीपल्स भी कहा जाता है। संविधान में अनुच्छेद 81, संविधान में अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा का गठन बताया गया है। तो अनुच्छेद 81 गठन, अब इसके सदस्य की हम बात करें, सदस्य संख्या की, तो प्रारंभिक में मैं बात करूंगा, प्रारंभिक सदस्य संख्या की, तो प्रारंभिक सदस्य संख्या इसमें क्या थी? 500। प्रारंभिक सदस्य संख्या इसमें रखी गई थी 500 रखी गई थी। अगर मैं बात करूं 1956 की, तो 1956 में राज्यों का जब पुनर्गठन हुआ था तब इसमें सदस्य संख्या थी 520 तथा 525। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन 1956 में राज्यों का जब पुनर्गठन हुआ था तो इसकी कुल सदस्य संख्या कितनी कर दी गई थी? 520 तथा 525। लॉजिक आता है अब, 31वें संविधान संशोधन 1974, जी हाँ, 31वें संविधान संशोधन 1974 के तहत लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 552 कर दी गई थी। 552 कुल सदस्य संख्या 552 है, जिसमें 530 विभिन्न राज्यों से तथा 20 संघ राज्य क्षेत्रों से तथा दो मनोनीत बाय राष्ट्रपति द्वारा, किसको करता है? आंग्ल भारतीय। लोकसभा में राष्ट्रपति दो ऐसे
व्यक्तियों को नियुक्त करता है जो आंग्ल भारतीय हो, एंग्लो इंडियंस हो। राज्यसभा में तो हमारे 12 सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति, और लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति जो हो आंग्ल भारतीय। अब दोस्तों आप पूछेंगे आंग्ल भारतीय क्या होता है। आंग्ल भारतीय का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति होता है जिसके माता या पिता दोनों में से एक भारतीय हो एक विदेशी हो। उदाहरण की हम मैं बात करूं तो हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो हमारी इंडिया की टीम है क्रिकेट में जिसमें ओपनर आते हैं शिखर धवन, उनका मैं उदाहरण देता हूं। वो है तो इंडिया के लेकिन उनकी शादी जो है ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, ऑस्ट्रेलिया की लड़की से हुई थी उनकी शादी। तो जो उनका जो पुत्र है जोरावर, उनके लिए उनका पिता तो एक होगा भारतीय और उनकी माता हो गई विदेशी। तो इसलिए ऐसे समुदाय होते हैं जिसके पिता तो कोई भारतीय हो या माता विदेशी हो तो वो एंग्लो इंडियंस में आते हैं। ऐसे समुदाय में से राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं एंग्लो इंडियन से। अगर मैं वर्तमान की बात करूं वर्तमान सदस्य संख्या की, वर्तमान सदस्य संख्या की तो हमारी है 545 जिसमें 530 विभिन्न राज्यों से, तेरह संक्षिप्त राज्यों से तथा 2 मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा। तेरह 2 15 530 यानी 545 वर्तमान की हम बात करें हमारी सदस्य संख्या लोकसभा में है 545। अब हम बात करें आवंटन का, सदस्यों का जो आवंटन होता है आवंटन का क्या मतलब होता है। आवंटन का मतलब होता है बंटवारा या आवंटन। आवंटन का यह मतलब होता है अब जिस राज्य में जितनी अधिक जनसंख्या होगी उस राज्य के उतने ही सदस्य निर्वाचित होते हैं। उदाहरण के लिए हम उत्तर प्रदेश को ही लेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत का जनसंख्या में प्रथम स्थान प्राप्त करता है। वहीं हम राजस्थान की बात करें तो भारत में 8वां स्थान राजस्थान का ले आता है, 8वां स्थान पर राजस्थान आता है। तो हम जनसंख्या की बात दृष्टि से हम देखें तो हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में हमारी 80 सदस्य लोकसभा के लिए निर्वाचित होते हैं। लोकसभा में उत्तर प्रदेश हम बात करें यूपी की तो 80 सदस्य निर्वाचित होते हैं। वहीं हम दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र की बात करें तो हमारे 48 सदस्य निर्वाचित होते हैं। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान से अपने 25 सदस्य निर्वाचित होते हैं। या चुने जाते हैं होते हैं। अब ये 25 सदस्य कौन है मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूं। जैसे आपने बात करी चुरू क्षेत्र की, चुरू जिले की, जो उनके वर्तमान सांसद है श्रीमान राहुल जी कसवां हमारे सांसद है वहां से। और मैं बात करूं जिसे हम सूर्य नगरी कहते हैं, जिसे ब्लू सिटी कहते हैं,
जोधपुर की बात करूं तो वहां के हमारे सांसद है श्रीमान गजेंद्र सिंह जी शेखावत, जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, जल शक्ति मंत्रालय के जो मंत्री हैं। और मैं अगर बात करूं औद्योगिक नगरी, शैक्षणिक नगरी या वर्तमान नालंदा जिसे हम कहते हैं कोटा क्षेत्र की, जो कोटा से हमारी ओम बिरला सांसद है, जो वर्तमान में लोकसभा स्पीकर भी है, इस तरीके से हमारे 25 सदस्य मिलकर राजस्थान से चुने जाते हैं, निर्वाचित होते हैं। ऐसे 25 राजस्थान से, 80 इसमें उत्तर प्रदेश से, 50 महाराष्ट्र से, ऐसे मिलकर हमारे पूरे होते हैं 545 सदस्य। ठीक है दोस्तों, इतना कुछ समझ में आया होगा आपको, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन। लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन, लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन, लोकसभा निर्वाचन कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से वैश्विक मताधिकार द्वारा, वैश्विक मताधिकार द्वारा, वैश्विक मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। मैंने आपको हमारे जब राज्यसभा का मैंने करवाया था चैप्टर, उसमें मैंने अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप जो उदाहरण मैंने आपको समझाया था। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वहां पे मेरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है पॉलिटिकल साइंस, उसमें से मेरी ये तीसरा वीडियो है। तो आप पहले के दो वीडियो देख सकते हैं जिसमें संसद है और मैंने राज्यसभा का गठन बताया था, तब मैंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कैसे मताधिकार होता है मैंने उदाहरण देकर समझाया था कि प्रत्येक रूप है प्रत्यक्ष रूप। तो अब आज बात करते हैं हम, एक हमारा होता है बहुमत, एक होता है हमारा पूर्णतः बहुमत। हमारी सरकार कैसे बनती है, कब जब कब चाहिए बहुमत आते हैं, कब नहीं, तो आज हम बात करते हैं। हमारे कुल लोकसभा के सदस्य कितने हैं? 545 है वर्तमान में, 545। बहुमत का आंकड़ा कितना है हमारा? बहुमत का आंकड़ा है 272, क्योंकि 272 पॉइंट और 545 में डिवाइड करेंगे 272.5 आएगा, और उससे हम वापस जोड़ेंगे तो 272 आएंगे। कोई भी सरकार को, चाहे वो एनडीए सरकार हो, यूपीए सरकार हो, उसे अपनी सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा पार करना होता है। बहुमत क्या होता है कि जो टोटल सदस्य संख्या होती है उसमें आधे में से एक अधिक, आधे में से एक अधिक। तो हम बात करते हैं अब वर्तमान केंद्र में हमारी बीजेपी सरकार है, भाजपा एनडीए एंड सहयोगी दल जिसे हम कहते हैं, उसने करीब 352 या 353 समथिंग सीटें प्राप्त की थी। यानी ये क्या हो गए, पूर्णतः बहुमत। बहुमत के लिए क्या चाहिए हमें? बहुमत के लिए चाहिए 272, और सीटें कितनी है हमारी? 352। ये क्या हो गया? पूर्णतः बहुमत, पूर्णतः बहुमत। और आपको पता है राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, ये हमारा आर्टिकल 75 कहता है। तो हम अब राज्य की बात करें, राज्य विधानसभा, ये एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, उदाहरण समझे।
राज्य विधानसभा, क्योंकि हमारे पिछले कुछ महीनों में हमारे सरकार में उथल पुथल चल रहा था। किसी ने कहा था कि हमारे राज्य में कांग्रेस सरकार है जो गिरेगी, किसी ने कुछ कहा था, किसी ने कुछ कहा, तो वो आप समझिए क्या हुआ था। हमारे राज्य विधानसभा में विधायक कितने हैं? 200। 200 सीटें हैं विधानसभा की। कितने सीटें? 200। कोई भी सरकार को, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उसको चाहिए आधे में से एक अधिक, यानी 100 या 101। 100 विधायक जिसके पास है, उसके पास बहुमत है। अगर इससे अधिक होते हैं 100 से, तो उनके पास क्या है? पूर्णतः बहुमत है। तो हम बात करते हैं, पूर्णतः बहुमत है। अभी कुछ हमारा विवाद चल रहा था कि हमारी जो सरकार थी वो अल्पमत में है या नहीं, क्या है, कैसी है। तो इसमें क्या हुआ, कुछ विवाद हो गया। सचिन पायलट हमारे जो डिप्टी सीएम थे, वर्तमान में तो उनका पद हटा दिया गया है डिप्टी सीएम का, लेकिन जो थे डिप्टी सीएम पहले 2019 में सरकार बनी थी, हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ कुछ अनबन हो गई थी। तब क्या हुआ, ये अपने विधायक लेके सचिन पायलट अलग चले गए थे। तो हमारे अशोक गहलोत साहब को विधानसभा में क्या करना पड़ा, बहुमत सिद्ध करना पड़ा कि सब हमारे पास 101 मंत्री अभी शेष है, हमारी सरकार अलग मत में नहीं है। अगर अशोक जी गहलोत के पास अगर 99 भी मंत्री रहते तो हमारी सरकार क्या हो जाती, राज्य सरकार हमारी अल्प मत में आ जाती। और जब अल्प मत में आ जाती है तो क्या करता है, राज्य का राज्यपाल जो हमारे वर्तमान में है श्री कलराज मिश्र, वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति को अनुमोदन करते कि राष्ट्रपति महोदय, हमारे राज्य में हमारी सरकार अल्प मत में आ गई है, अब आप हमारे राज्य में शासन करें। तब राष्ट्रपति क्या करता है, राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर आर्टिकल 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने के कारण राष्ट्रीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन लगाता है। लेकिन लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमारे गहलोत साहब ने 101 विधायक उनके पास थे, तो उन्होंने पूर्णतः बहुमत कर लिया। और हमारे जो सचिन पायलट साहब थे वो भी वापस आ गए, तो वापस आए वो 19 मंत्री थे समथिंग, या 20 मंत्री जो भी थे, वो आते क्या होते हैं, हमारे पूर्णतः बहुमत हो गई, कांग्रेस सरकार पूर्णतः बहुमत में आ गई। अब वर्तमान में वही कार्य रहेगी 5 साल तक। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के कुछ एक मंत्री ने कहा था, मुझे नाम तो उनका पता नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था कि परिवार का कोई भी सदस्य अगर नाराज होकर चला जाता है तो उसे परिवार से बेदखल या बर्खास्त नहीं किया जाता, उन्हें समझाया जाता है और रूठने का कारण पूछा जाता है। और वही हमारे अशोक गहलोत साहब ने किया। सचिन पायलट नाराज होकर चले गए थे, उन्हें समझाए, वापस लाए और वापस वही कांग्रेस सत्ता में है अब वर्तमान में। तो यह होता है बहुमत, या कौन सा बहुमत साबित करना पड़ता है लोकसभा में राष्ट्रपति के समक्ष, और राज्य विधानसभा की हम बात करें तो राज्यपाल के समक्ष दर्शक मताधिकार द्वारा हम स्वयं वोट करते हैं। लोकसभा सदन निर्वाचन आपने देख लिया होगा। अब हम देखेंगे लोकसभा का कार्यकाल, समय अवधि। लोकसभा का कार्यकाल वैसे हम समय अवधि भी कह सकते हैं, कार्यकाल संविधान के अनुच्छेद 83 के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल अपनी प्रथम बैठक से 5 वर्ष का होगा। 83 कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। पांच वर्ष
पश्चात या 5 वर्ष पूरे होने पर लोकसभा स्वतः ही भंग हो जाती है। भंग हो जाती है। अनुच्छेद 85 संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति कभी भी लोकसभा को भंग कर सकता है प्रधानमंत्री के सलाह से। अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति लोकसभा को कभी भी भंग कर सकता है। भंग कर सकता है। प्रधानमंत्री के सलाह से अपने प्रधानमंत्री पीएम साहब के सलाह से कर सकता है। अब लोकसभा का कार्यकाल अगर मैं बात करूं, लोकसभा का 5 वर्ष का होता है। अगर कहीं राष्ट्रीय आपात लग जाए अगर राष्ट्रीय आपात लग जाए तो लोकसभा का कार्यकाल 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। 1976-77 में एक बार बढ़ाया गया था। एक बार बढ़ाया गया था। राष्ट्रीय अपवाद आपातकाल उपबंधन अनुच्छेद 352, 356, 360 राष्ट्रपति कभी भी अगर ये अनुच्छेद का उपयोग करता है इनका, तब ये लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। अगर मैं बात करूं प्रथम प्रथम लोकसभा का गठन अगर मैं बात करूं प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ तो अप्रैल 1952। अगर मैं वर्तमान की बात करूं, वर्तमान में हमारी 17वीं लोकसभा कार्यरत है। कार्यत प्रथम लोकसभा का गठन अप्रैल 1952 में हुआ था। अगर वर्तमान की बात करें तो हमारे 17वीं लोकसभा कार्यरत है और हमारे 17वीं कार्य लोकसभा कार्यरत है। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब हम बात करते हैं लोकसभा के पदाधिकारी। लोकसभा के पदाधिकारी लोकसभा पदाधिकारी या अध्यक्ष उपाध्यक्ष ये यथावत संविधान के अनुच्छेद में कहा गया है। अनुच्छेद 93 त्रयाणवे अनुच्छेद में ये कहा गया है कि लोकसभा के जो सदस्य है अपने में से किसी 2 सदस्यों को एक अध्यक्ष को एक उपाध्यक्ष को बनाएंगे। तो इसमें एक पद होता है अध्यक्ष, एक अपना पद होता है उपाध्यक्ष का। उपाध्यक्ष का एक होता है महासचिव, लोकसभा महासचिव।
एक होता है अपना प्रोटेम स्पीकर, एक होता प्रोटेम स्पीकर। अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है तथा उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देता है। एक प्रोटेम स्पीकर भी होता है। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? कोई भी आम चुनाव होता है, जब तक कोई अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं चुना जाए तब तक उसकी जगह पर प्रोटेम स्पीकर अपना कार्य करता है। प्रथम अध्यक्ष की बात करें हम, अध्यक्ष अगर प्रथम अध्यक्ष की बात करें, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष श्री गणेश वासुदेव मालवणकर थे। ये हमारे प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। और वर्तमान में मैं अध्यक्ष की बात करूं तो ओम बिरला, कई नाम इसका बिरला मिलता है, कई बिरला मिलता है, तो देख लीजिए आप ओम बिरला। वर्तमान में, उपाध्यक्ष, वर्तमान में 2019 तक तो थंबी दुराई, लेकिन इसका अभी जहां तक मुझे ज्ञात है यह पद रिक्त है। 2019 में थंबी दुराई थे, थंबी दुराई 2019 तक थंबी दुराई थी। एक महासचिव होते हैं, एक प्रोटेम स्पीकर होता है। ये क्या होता है मित्रों? ये होता है अपने लोकसभा के पदाधिकारी। क्योंकि हमारा अध्यक्ष होता है जो सदन के कार्यवाही का संचालन करता है, कार्यवाही का सत्र स्थगित करने का अधिकार है। और ये ध्यान रखना मित्रों, जो लोकसभा में, बहुमत से पार्टी आती है उसका ही अध्यक्ष होता है, और ये उपाध्यक्ष विपक्ष पार्टी का होता है। लोकसभा के पदाधिकारी, कभी बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 17वीं लोकसभा में किस पार्टी ने पूर्णतः बहुमत हासिल किया। तो पूर्णतः बहुमत मैंने आपको समझा दिया है, तो किस पार्टी ने पूर्णतः बहुमत हासिल किया था, तो ये आपको कमेंट में उत्तर देना है कि किस पार्टी ने पूर्णतः बहुमत हासिल किया था। धन्यवाद टेक्निकल टीम। तो दोस्तों, मैंने कुछ चार्टर बनाने की कोशिश की है, यहाँ पे समझाने की कोशिश की है, कितने सदस्य अधिकतम है, वर्तमान में क्या है, तो कहां से आते हैं। तो देखिए, लोकसभा अधिकतम सदस्य मैंने बताया 552, इसमें से निर्वाचित होते हैं अपने 530 राज्यों से, क्योंकि हमारे संविधान के अनुच्छेद 81 में यही कहा गया है कि 530 राज्यों से, विभिन्न राज्यों से आएंगे, ठीक है, और केंद्र शासित क्षेत्रों से अपने 20 आएंगे। तो 530 और 20 कितने हो गए? 550, 550 और 2 मनोनीत करता है कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसको? एंग्लो इंडियंस को, आंग्ल भारतीय को दो करते हैं। तो कितने हो गए? 552 हमारी अधिकतम सदस्य संख्या हो गई। अब वर्तमान सदस्य संख्या की हम बात करें तो 545, 545 है, जिसमें निर्वाचित होते हैं राज्यों से 524, केंद्र शासित क्षेत्रों से 19, जिसमें केंद्र शासित क्षेत्र है दिल्ली अपने 7, जम्मू कश्मीर 5, लद्दाख 1, अन्य 6, 6, 5, 6, 1, 5, 7, 19, 524, 2 मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति द्वारा, एंग्लो इंडियंस, आंग्ल भारतीय समुदाय के। तो वर्तमान में 545 सदस्य संख्या है। धन्यवाद दोस्तों, आज मैंने
आपको लोकसभा का ज्ञान करवाया है, लोकसभा के बारे में बताया है। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।